धन्यवाद आपका। आप सब लोग अपने बैठने की स्थिति को ठीक कर लें। आप लोग जो दाएं बाएं बैठे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं होती ऐसे बैठने में? थोड़ी होती होगी, आप से अनुभव नहीं करते। जब भी मंच के सामने बैठना है तो जैसे बैठना ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बैठने से प्रॉब्लम होती है यार। क्योंकि आप पहले से ही अभ्यास बना रखा है सीधे चलना, कोशिश कीजिए ऐसे कुर्सियां डालिएगा, ठीक है ना, आगे से तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम सब लोग एक बार सीधे बैठ जाएंगे, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और मनः स्थिति अनुकूल बनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पावकानः सरस्वती भाजीभिर्भाजिनीवती यज्ञं वसुदेवा वसु। ॐ तद्विष्णोः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरय दिविचक्षुरातम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो वैदिक धर्म की जय। ऋषिवर दयानंद जी महाराज की जय। बोलो भारत माता की जय। ये जो माइक है ये आरिश्वास का या बाहर से बनवाया है? बाहर से करवाते हैं। तो जो सेटिंग वाला है कहाँ? तो लगा के चला गया होगा, समाज के लोग अपने आप चला लेंगे। जन के भजन उपदेश सभी आप सुन रहे थे। आर्य जगत के युवा भजनोपदेशक श्रीमान मोहित शास्त्री जी, आर्य समाज के सुयोग्य धर्माचार्य सम्माननीय श्रीमान सुरेश चंद्र शास्त्री जी, आर्य समाज के सुयोग्य अधिकारीगण सम्माननीय प्रधान जी श्रीमान राजवीर जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान नरेश कुमार जी और सम्माननीय बहन विनीता जी, जो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही थी, इनके माध्यम से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और संचालन बहुत अच्छा करती हैं, शब्दों को बहुत अच्छे से प्रयोग करती हैं। सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के विलासी सज्जनों, वंदनिया पूजनिया श्रद्धेया मातृशक्ति प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, ये जो माइक की आवाज है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही साफ साफ सुनाई दे, इसकी आवाज फट रही है। और माइक जब बाहर से लगाया है तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ वाकई में माइक लगाया, पैसा भी खर्च किया और स्वाद भी नहीं आया, फिर क्या फायदा हुआ। बहुत सुंदर भजन उपदेश आप सुन रहे थे। और देखो क्लास बड़ी अद्भुत है हमारी आज, एलकेजी के भी हैं कि नहीं? हाँ एलकेजी के भी हैं, नर्सरी से लेकर के, और जिन्होंने स्कूल कई बार फाड़ दिए वो भी बैठे हैं जी, टॉप के लोग बैठे हैं। मैं समझता हूँ 80 वर्ष से भी ऊपर होंगे। तो ऐसी क्लास बड़ी अद्भुत होती है, कुछ ऐसी बातें होंगी जो बड़ों के लिए होंगी, कुछ छोटों के लिए होंगी, ऐसी बातें करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो विद्यार्थी जीवन होता है उसके समझने समझाने का तरीका अलग होता है, और जो बड़े लोग होते हैं उनको समझाने समझने का तरीका अलग होता है। तो फिर भी प्रयास करेंगे सबको बात समझ में आए।
आप सब लोग ऐसे बैठिए जिससे मुझे लगे कि आप सुनना चाहते हैं। जो अध्यापिका बहने हैं वो बहुत व्यवस्थित रूप से बच्चों को रखेंगी, और कल से काम करना है कि बड़े लोगों की ऐसे लाइन बननी चाहिए सबसे आगे बड़े लोग बैठे, उसके पीछे बच्चे लोग बैठेंगे, फिर अध्यापिकाएं बैठेंगी, ऐसे बैठना। क्योंकि हम बच्चों को संभालते रहे तो आप प्रवचन नहीं सुन पाएंगे। ये काम संभलने संभल कर बैठने का आपका काम है। वैसे मैं ये काम भी जानता हूं क्योंकि पढ़ाता रहा हूं बहुत दिन, तो मुझे ये सब अभ्यास है कि कैसे ठीक करना है। और सभा अगर ठीक नहीं है तो सुनने सुनाने का कोई आनंद नहीं आएगा। मैं समय पर एक चर्चा आपके बीच रखता हूं और आप सब लोग दचित होकर के सुनिए, आनंद आएगा। वैसे आप में से ज्यादातर लोग पुराने हैं, आपके बैठने के तरीके और सुनने के तरीके से अंदाजा लग गया है कि ज्यादातर लोग पुराने हैं। बड़े लोगों में से शायद ही कोई नया व्यक्ति होगा जो पहली बार आया हो। है कोई ऐसा? आप पहली बार आए हैं? बिल्कुल पहली बार। लगभग से कैसे? अपनी चालाकी से काम मत करो। पहले आए थे? हाँ, तो फिर पहले आए थे तो पहली बार कैसे आए? कोई बात नहीं बंधु, आय समाज एक मिशन है। आवाज अच्छी बनाओ, फटे नहीं, ठीक है ना? बॉक्स या तो ठीक नहीं है या सेटिंग ठीक नहीं है। गले पर जोर नहीं पड़ना चाहिए और आवाज सबको ठीक से मिलनी चाहिए, चिल्लाने की भी आवाज नहीं जाएगी। आर्य समाज एक मिशन है और इस मिशन को हमने कितना समझा है इस सब के लिए प्रश्न है। हमने इस मिशन को कितना समझा है? यह मिशन सफल कैसे होगा इसके विषय में भी हम बातें करेंगे। आप अपने जीवन को ठीक से चलाना चाहते हैं तो ज्ञान को ठीक कर लीजिए और अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लीजिए। और ज्ञान का सीधा साधा अर्थ है, वैसे तो ज्ञान का अर्थ जानना है जी, बोलो जोर से, क्या है? जानना। लेकिन ज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं है, ज्ञान का अर्थ है वैसा हो जाना। बोलो जी, क्या है? अगर आपने ज्ञानवान होकर अपने व्यवहार को नहीं बदला तो समझो आपसे बेचारा कोई नहीं है। केवल भाषण देने के लिए ज्ञान नहीं होता, केवल सुनने के लिए ज्ञान नहीं होता, तर्क और प्रमाणों को इकट्ठा करने के लिए ज्ञान नहीं होता। ज्ञान केवल और केवल व्यवहार ठीक करने के लिए होता। दौर से बोलो हाँ या ना जी। और अगर हम ज्ञानवान होकर के व्यवहार नहीं ठीक कर पाए तो हम बहुत बड़े दोषी हैं। और आप लोग ये देख भी सकते हैं अपने लोगों में, बातें बहुत करते हैं पर व्यवहार शून्य है। तो हम अपने अंदर ये झांक करके चलेंगे कि हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं। बातें कम करो, अपने अंदर से काम ज्यादा करो और शिकायत करना बंद कर दो। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है ये शिकायत किसी दूसरे से करना बंद कर दो। ये देखो हम क्या कर रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है उसकी सराहना करो और बुरा कर रहा है उससे बचकर रहो। महात्मा चाणक्य ये कहते हैं, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी गलती से स्वयं को सुधारो जी, उसकी गलती से करो स्वयं को सुधारो। अर्थात वो जैसी गलती कर रहा है बोलो वैसी गलती मैं नहीं करूंगा, ये है इसके लिए है। पर कमाल यह है, वो गलती कर रहा है ऐसी ही तो वो दोषी है, और मैं ऐसी गलती कर रहा हूं तो मैं दोषी नहीं हूं। वाह भाई वाह, कहां से सीखते हो ऐसी चालाकी?
दोषी तो दोषी है, गलत तो गलत है, कोई करे या दूसरा करे या मैं करूं। तो इसीलिए मैंने आपको आरंभ में एक दो जानकारी साझा की, और ज्ञान का जो आदि स्रोत है वो वेद है, परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित होता है। इन सब बातों को हम आपके बीच सिद्ध करेंगे, पर इस समय जो चर्चा करेंगे, प्रातः काल है, आपने यज्ञ किया तो यज्ञ से संबंधित चर्चा करेंगे। एक महर्षि याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि हुए, और मैं समझता हूं सब जानते होंगे, बड़े बड़े लोग तो सब जानते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। महर्षि याज्ञवल्क्य कैसे व्यक्ति थे? तो महर्षि याज्ञवल्क्य अपने काल के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति, अपने काल के सबसे बड़े विद्वान। और आजकल क्या है, आजकल अपने अपने वर्ग के विद्वान लोग हैं, और एक विद्वान दूसरे विद्वान को ये नहीं समझता कि वो विद्वान है, क्योंकि वो अपने विद्या और जानकारी के अहम में सामने वाले का सम्मान नहीं करता। और विद्वान क्या, अब तो सामान्य व्यक्ति भी विद्वानों का सम्मान नहीं करता। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं अनुभव की, आप बताना ऐसा है कि नहीं, कि अब हमें भी लोग विद्वान नहीं समझते, हमें भी प्रवचन वाला आदमी समझते हैं, जैसे माइक वाला आदमी, बिजली वाला आदमी, वैसे प्रवचन वाला आदमी ऐसा समझते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? आवाज नहीं आई आपकी, बच्चे नहीं बोलेंगे, बड़े लोग बताओ। मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपकी तो पता ही नहीं है, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। और जब हम विद्वानों को समझते ही नहीं हैं, तो फिर हमें विद्या की ठीक से प्राप्ति नहीं हो सकती। महर्षि याज्ञवल्क्य उस काल में थे, और उस काल में विद्वत्ता का परीक्षण होता था, सभाएं लगती थी, और सभाओं में शास्त्रार्थ होता था। और उस काल में तो एक राजा ने अद्भुत सभा लगाई कि जो सबसे बड़ा विद्वान ठहराया जाएगा उसमें 1000 गाय दूंगा, और वो भी सोने के पत्तल से उसके सींग मढ़कर के दूंगा, सोना और गाय, जो सबसे बड़ा विद्वान ठहराया जाएगा। उस सभा में सबसे बड़ा विद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य को ठहरा गया। मैं आपको ये जानकारी क्यों दे रहा हूं महर्षि याज्ञवल्क्य की, क्योंकि जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह व्यक्ति उतनी ही सही बात बताता, जो जितना बड़ा विद्वान होगा वह उतनी ही ज्यादा प्रामाणिक बात बताएगा। आप क्लास वाइज भी देख सकते हैं, एक ही प्रश्न अगर 3 लोगों को दिया जाए, 5वीं कक्षा का, 8वीं का, 10वीं का, तो कौन ज्यादा अच्छे से हल करेगा? बराबर है। इसीलिए हम सबको आवश्यक है कि हम प्रामाणिक बातों को समझें। भीड़ से कभी सत्यासत्य का निर्णय नहीं होता। और विद्वत्ता की जो परिभाषा है वो तर्क और प्रमाणों पर आधारित होती है। जब व्यक्ति बोलता है तो उसके बोलने के तरीके से, बोलने के तरीके से नहीं, बैठने के तरीके से भी पता चल जाता है कि यह व्यक्ति वाकई में है क्या। उसके चलने फिरने, बात करने, आप हमारे सामने बात कराओ, हम बता देंगे इसके मन में क्या चल रहा है। आजकल जो बातें पूछी जाती हैं वो किसी से भी पूछ ली जाती है, धर्म कर्म की बातें। हमारे यहां लोग ब्रज में कहावत है, ऐरा गहरा नथु खैरा, अब तो सब जगह प्रचलित हो गई है, किसी से भी धर्म की बात पूछ लेते हैं लोग। जो जिस विषय का जानकार हो हमें उस विषय की उससे जानकारी लेनी चाहिए। जो गणित जानता है उससे गणित की जानकारी लो, जो साइंस जानता है उससे साइंस की जानकारी लो, जो व्याकरण जानता है व्याकरण की जानकारी लो, जो सिद्धांत जानता है उससे सिद्धांत की जानकारी लो, जो धर्म जानता है बोलो
से धर्म की जानकारी। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक ग्रंथ लिखा अपने काल में, 100 अध्याय का ग्रंथ लिखा, नाम है शतपथ ब्राह्मण जी, शतपथ ब्राह्मण नाम की किताब लिखी। और उसमें यज्ञ के प्रकार, यज्ञ कैसे होता है, आसन से लेकर के समापन तक, ब्रह्मा से लेकर के यजमान तक, जितने भी सामान व्यक्ति पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, उन सब के विधि विधान के विषय में विस्तार से लिखा। फलों के बारे में भी लिखा, ऐतिहासिक घटनाओं को भी लिखा। तो उसमें इस समय एक पंक्ति इस समय ले रहे हैं हम, और पंक्ति है स्वर्ग कामो यजेत। इस पंक्ति को याद कर लो, और हो सकता है कुछ को याद भी हो, स्वर्ग कामो यजेत, 3 शब्द हैं। और अगर आपने पहले सुनी है तो आपको जानकारी भी होगी क्या है ये, और आज मेरे विचारों से सुनना, फिर आपको अंदाजा लगाना कि हमने कितना ठीक से जाना है अभी तक, हमने इस लाइन को कितना ठीक से जाना है। 3 शब्द हैं स्वर्ग कामो यजेत। इसका अर्थ है स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। बोलो जी क्या है, स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। हम स्वर्ग की कामना करते हैं तो यज्ञ करें। अच्छा, इसको यूं कह दिया जाए कि स्वर्ग किससे मिलेगा तो क्या उत्तर होगा, जोर से बोलो, यज्ञ से मिलेगा। स्वर्ग किससे मिलेगा, यज्ञ से मिलेगा। और यह पंक्ति अक्षरशः सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अब आप स्वर्ग किसे में कहते हैं और यज्ञ किसे कहते हैं, ये दोनों चीजें परिभाषा चाहती है। अगर आप स्वर्ग को जानते हैं और यज्ञ को जानते हैं तो फिर आप करना शुरू करो, जैसा स्वर्ग जानते हैं वैसा बन जाएगा। तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि हम यहां यज्ञ शब्द को जिस उद्देश्य से महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है उस उद्देश्य तक नहीं पहुंचे। जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, और आप अपने आप बताना मैंने ठीक बताया है कि नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने यहां जो यज्ञ शब्द प्रयोग किया है उतनी व्यापक परिभाषा तक हम नहीं पहुंचे। और संसार के अंदर जो स्वर्ग नाम की जो कल्पना है वह गलत हो गई है, इसीलिए हमें पहले स्वर्ग समझना होगा, स्वर्ग किसे कहते हैं। तो स्वर्ग के लिए आप पूरे देश भर के समाज के लोगों से मिलेंगे तो एक कहावत प्रचलित हो गई है स्वर्ग के विषय में कि स्वर्ग मरने से पहले तो मिलता नहीं है जी, स्वर्ग के लिए तो मरना पड़ेगा। जबकि महर्षि याज्ञवल्क्य का जो स्वर्ग शब्द है उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। कितना अंतर है, महर्षि याज्ञवल्क्य का जो स्वर्ग शब्द है वो जीते जी भी मिलता है, आगे बोलो, हाँ मतलब मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो बोल सकेंगे, समझ रहे हैं तो, क्योंकि जो शब्द मैंने बोला उसके बाद पूरा आपने करना है ताकि मुझे भी पता चल जाएगा आपके पास बात पहुंच गई। स्वर्ग हमें जीते जी भी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा, और ऐसा स्वर्ग फिर कौन नहीं पाना चाहेगा। मरने के बाद वाले का तो क्या विश्वास है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्वर्ग शब्द से एक लोक की कल्पना की है लोगों ने, प्रचार कर दिया है, बहुतायत में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो ऐसी मान्यता रखते हैं कि स्वर्ग कहीं अन्यत्र स्थान पर है, वहां ऐसा वातावरण रहता है
वहां सुखोपभोग के सब सामान हैं, और मरने के बाद निर्णय होता है उसके कर्मों का। तो जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिल जाता है, और जो गलत कर्म करता है उसे नरक मिल जाता है, और कई बार तो जुगाड़ से भी स्वर्ग मिल जाता है। अरे बोलो, कई बार तो उनके यहां जुगाड़ से भी स्वर्ग मिल जाता है। ऐसा काम कर लो स्वर्ग मिल जाएगा, वैसा काम करो स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा जुगाड़ भी चलती है। जबकि यथार्थ में क्या है बंधुओं, स्वर्ग उन्नति का नाम है, ऊपर गमन का नाम है, सुख की ओर गमन का नाम है। और ऋषि दयानंद ने परिभाषा करते हुए बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया, सुख और सुख विशेष की सामग्री जहां उपस्थित होती है, बोलो जोर से, क्या कहते हैं उसे? स्वर्ग कहते हैं। अगर आप अपने घर में सुखमय जीवन जी रहे हैं, आपके पास सुख के सामान हैं, आप आपस में मिलकर रहते हैं, आप बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, आपके घर में वृद्ध लोग सम्मानित रहते हैं, आपके घर में बच्चे संस्कारित रहते हैं, पति पत्नी मिलकर रहते हैं, तो आप अपने घर को बोलो स्वर्ग कह सकते हो। अगर आप इस बात को और अच्छे से समझना चाहते हो तो वेद का मंत्र कहता है, यत्रा सौहार्दः, यत्रा सौहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगम तन्वा स्वाया अश्लोणा अंगई रहृता स्वर्गे तत्र पश्चेव पितरोच पुत्रा। लास्ट वाली लाइन को देखो, तत्र माने वहां, पश्चिम देखें, पितरो च पुत्रान, पितरो च पुत्रान, पितरों को और पुत्रों को एक साथ ऐसे वातावरण में देखें, उसे स्वर्ग कहते हैं। यत्रा सौहार्दः, जहां अच्छे हृदय वाले लोग रहते हैं। स्वर्ग की परिभाषा क्या है? जहां बोलो अच्छे हृदय वाले लोग, सौहार्दः सुकृतो मदन्ति, जहां अच्छे कर्म करने वाले लोग रहते हैं, जहां रोग रहित रहते हैं, अंग भंग नहीं होते हैं, ऐसा वातावरण उसे स्वर्ग कहते हैं। और हे प्रभु, हम ऐसे स्वर्ग में अपने पितरों को और पुत्रों को एक साथ देखें। अगर यहां ये कहे मरने के बाद मिलता है तो फिर तो पितर ही मिलेंगे, पुत्र तो मिलने के नहीं भाई। जबकि वेद कह रहा है कि वहां पितर भी मिलेंगे और बोलो पुत्र भी मिलेंगे, तो वो तो जीते जी मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि महात्मा चाणक्य ने भी स्वर्ग के बारे में बताया, उन्होंने कहा, स्वर्ग स्थिता नाम यह जीव लोके चत्वार चिन्हानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। महात्मा चाणक्य का स्वर्ग इनसे बनता है। बातें वही हैं, कहने के तरीके हैं। वो कह रहे हैं स्वर्ग स्थिता नाम यह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, जहां पर ये चार चिन्ह, चार कर्म, चार व्यवहार रहते हैं, वहां स्वर्ग बनता है। दान प्रसंगो, दान देने की प्रवृत्ति, मधुराच वाणी, देवार्चनम देवताओं का अर्चन पूजन वंदन, ब्राह्मण तर्पणंच और ब्राह्मणों का तर्पण, जहां ऐसा होता है उसे स्वर्ग कहते हैं। अच्छा, मरने के बाद के जीते जी, ये है स्वर्ग। आप सारांश भर में समझ लीजिए कि स्वर्ग उस स्थिति को कहते हैं जहां सुखी रहते हैं, शारीरिक रूप से सुख मिलता है, मानसिक रूप से उन्हें संतुष्टि रहती है, और धीरे धीरे वो अपनी उन्नति की ओर चलते हैं। ऊंची गति का नाम स्वर्ग है, उन्नति का नाम स्वर्ग है, अर्थात विकास का नाम स्वर्ग है। और ऐसा विकास जो सुख देने वाला होता है उसे बोलो जोर से, क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। अच्छा बताओ, ऐसा स्वर्ग कौन नहीं पाना चाहेगा? सब पाना चाहेंगे। और जब सब पाना चाहेंगे तो बताओ अब मिलेगा किससे?
जोर से बोलो एक बार, यज्ञ से मिलेगा। यह बात बिल्कुल सही है, यज्ञ से मिलेगा, लेकिन एक या तो समझाने वाले ने ऐसा समझाया या समझने वालों ने ऐसा समझ लिया। कई बार समझाने वालों ने भी ऐसा समझाया, मैं एक बार ऐसे ही बैठा था, मैं भी ध्यान से सुनता हूं जो भी बोल रहे होते हैं, और जब मैं सुन रहा था तो एक प्रवचन करने वाले किसी बंधु ने यह कह दिया, देखो भाई स्वर्ग मिलेगा, आप यज्ञ किया करो। आगे हवन कुंड बना हुआ था और उन्होंने इशारा कर दिया कि यज्ञ किया करो। अगर ऐसा अगर कहा गया है तो यह ठीक नहीं है, और अगर आपने ऐसा समझा है तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वर्ग बनेगा वो यज्ञ से बनेगा, अकेले हवन से नहीं बनेगा। जरा ध्यान देना, जो इशारा किया गया है वह भी यज्ञ है, वह ही यज्ञ नहीं है। मेरी बात पहुंची आप तक? हवन भी यज्ञ है, हवन ही बोलो यज्ञ नहीं, हवन संपूर्ण यज्ञ नहीं है। और अगर किसी के मन में यह बात बैठी हुई है कि हवन के करने से स्वर्ग मिल जाएगा, तो मैं आपको बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में बताता हूं, केवल हवन करने से संपूर्ण स्वर्ग नहीं है। यज्ञ शब्द बड़ा व्यापक है, जो देव पूजा, संगतीकरण और दान से युक्त है, और आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, वैसे बोर्ड नहीं है मेरे पास यहां, जैसे ब्लैक बोर्ड आदि होता है तो लिख लेते हैं, फिर भी आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। महात्मा चाणक्य ने चार बातें बताई थी, जरा ध्यान से सुनना। पहला दान बताया था, दान बोलो क्या बताया, दूसरा बताया था मधुर वाणी, तीसरा बताया था देवताओं का पूजन, और चौथा बताया था ब्राह्मण का तर्पण। आप ब्राह्मण के तर्पण को और देव पूजन को एक कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी देव है, और यहां देव का अर्थ एक देव का पूजन नहीं है, यहां सारे देवताओं का पूजन है। देव पूजा और दान यहां आ गए। अच्छा बताओ यज्ञ की परिभाषा में कितनी बातें हैं, देव पूजा है, यहां भी दान है, यहां संगतीकरण है, और यहां मधुर वाणी है, केवल इतना अंतर है। और आप ये जानते हैं कि मधुर वाणी से, वाणी के सदुपयोग से ही संगतीकरण हो सकता है, बिना मधुर वाणी के संगतीकरण होने वाला नहीं। अब बोलो महात्मा चाणक्य ने भी यही बताया कि नहीं, कि यज्ञ से स्वर्ग मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो वहां हवन तो नहीं बताया, वहां क्या बताया, देवताओं के पूजन से स्वर्ग बनेगा, दान देने से स्वर्ग बनेगा, और मिलकर रहने से स्वर्ग बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। केवल हवन करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम कहें हवन करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। हवन करने से जितना लाभ होगा बोलो उतना होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हवन करने से संपूर्ण स्वर्ग बन जाए। अब आपको यह जानना पड़ेगा फिर यज्ञ में क्या क्या आएगा। तो यज्ञ एक बड़ी विस्तृत चर्चा है, समय 3 दिन का है, और 3 दिन का समय बहुत अधिक नहीं होता है, छोटा कार्यक्रम होता है 3 दिन का, शुरू होता है कि खत्म हो जाता है। ज्यादा बड़ा सही से कार्यक्रम होता है 5 दिन हो या 7 दिन हो, तब कुछ विषयों को ठीक से समझा जा सकता है। प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, बच्चों, अब आप ध्यान से सुनना कि यज्ञ किसे कहते हैं। वैसे तो यज्ञ धातु से बना हुआ यह शब्द आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पर विस्तृत चर्चाओं में बहुत बड़े अर्थ हैं। हम ये समझें देव कौन है, हम ये समझें पूजा क्या होता है, हम समझें संगतीकरण कैसे होगा, और हम समझें दान क्या होता है, दान कैसे किया जाता है, किसको किया जाता है, कितना किया जाता है। अगर हमने इतनी बातें जान ली तब जाकर के हम संपूर्ण यज्ञ को ठीक से समझ पाएंगे। लेकिन यहां मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो व्यावहारिक चर्चा करूंगा।
यज्ञ का व्यावहारिक स्वरूप क्या है, और आप अगर उतना भर कर लेंगे तो आप अपने स्थान को, अपने आसपास के वातावरण को आप स्वर्ग बना सकेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा यज्ञ किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा जिसमें, चार बातें बताई उन्होंने, कहा जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य शिल्प, पदार्थ विद्या, पदार्थों से उपकार लेना, विद्या आदि शुभ गुणों का दान, और अग्निहोत्र आदि जिनसे जल वायु वृष्टि शुद्ध होकर प्राणी मात्र को सुख मिलता है उसे यज्ञ कहते हैं। अर्थात इन चार कामों को कम से कम करना होगा तब आप यज्ञ कर पाएंगे, और यज्ञ कर पाएंगे तो वातावरण स्वर्ग बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, जोर से बोलो बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा आप लोग क्या अनुभव कर पा रहे हैं, हम लोग अभी तक ऐसा समझ पाए थे कि यज्ञ इतना विस्तृत है। मैंने आपको कहा था, मैंने अनुभव किया है कि ज्यादातर लोग यज्ञ हवन को ही संपूर्ण यज्ञ मानते हैं, ज्यादातर लोग हवन को ही संपूर्ण यज्ञ मानते हैं, क्यों जी, हाँ या ना? अब आप जरा धैर्य से सुनिए, आपको निश्चित आनंद आएगा। आप सब बहुत अच्छे और पुरुषार्थी लोग हैं, आर्य समाज के कार्यों से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से हम सबको ये पता होना चाहिए ताकि हम सरलता से समझा सकें। देखो आप सब लोग मिशनरी भाव से काम करो, अपने आप को आप ऋषि दयानंद का सिपाही अनुभव किया करो, और ऐसा अनुभव किया करो कि जब ऋषि दयानंद का मैं सिपाही हूं तो मुझे ऋषि दयानंद के मंतव्यों के अनुसार चलना होगा। मैं और किसी बात से समझौता नहीं करूंगा, गलत बातों को अगर कोई मेरे साथ कर रहा है तो मैं विनम्रता से उसका विरोध करूंगा। विरोध करने का भी तरीका होता है, आजकल हम विरोध जो कर रहे हैं वो अपनी विद्वत्ता झाड़ने के लिए कर रहे हैं और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। पर मैं यहां एक बात जो आ रही है उसे थोड़ा बता देता हूं ठीक से, आप मुझे बता सकेंगे कि जब गलती लोग करते हैं तो हम एक जैसा व्यवहार करते हैं कि अलग अलग? सुनो, एक हमारा बच्चा गलती करे, हमारा खुद का बेटा गलती करे, अच्छा पड़ोसी का बेटा गलती करे, अच्छा वही गलती हमारे पिताजी करें, और वही गलती हमारे फूफाजी करें, और वही गलती हमारा अधिकारी करे, जहां हम नौकरी करते हैं, जिसके नीचे नौकरी करते हैं, जैसे कोई इंस्पेक्टर है और डीएम के नीचे काम करता है, और डीएम ने गलती कर दी और वो इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर हो, अच्छा बताओ जिन जिन लोगों ने गलती की उनके साथ व्यवहार एक जैसा करेंगे क्या अलग अलग? क्यों, गलती तो एक जैसी, अलग अलग क्यों कर रहे हो, अलग क्यों कर रहे हो भाई? इसका मतलब जो आपको अपने से कमजोर दिखाई देता उसके ऊपर सवार हो जाते हो, जो अपने से बलवान दिखाई देता उससे परेशान रहते हो, उसको बहुत शालीनता से बात करते हो, ऐसा क्यों करते हो भाई? गलती तो गलती है, इसीलिए अगर आप किसी बड़े व्यक्ति से शालीनता से बात कर सकते हो तो छोटे से भी शालीनता से बात किया करो, ताकि बात आनंद से उसको समझ में आए। बात कहने के तरीके होते हैं, इसीलिए अगर आप किसी विधर्मी को, विरोधी को, और कम से कम पौराणिकों को अगर आप शालीनता से बताएंगे तो वह आपकी बात समझेगा भी और वो आपके साथ जुड़ेगा भी, और अगर आपने उसके ऊपर एकदम राशन पानी लेके सवारी कर दी तो फिर वो एक दिन भी नहीं आएगा और यूं कहेगा भाई किससे बचा रहा भगवान, यार समाज जी से बचाना मुझे, और कहीं दिख जाओगे ना आप, शक्ल दिख जाएगी तो भाग जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा, और इससे बचाना वह बहुत पकाता है। इसीलिए अपने व्यवहार को इतना आनंदित बनाओ, निश्चित आनंद आएगा। आओ यज्ञ की बातों को मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा सा रखता हूं, इतना समय है कि आप चर्चा सुन सकेंगे। सबसे पहला है विद्वानों का सत्कार, जोर से बोलो क्या है? आप यदि स्वर्ग बनाना चाहते हो तो विद्वानों का सत्कार करना शुरू कर दो, औपचारिकता बस नहीं, औपचारिकता नहीं करनी है विद्वानों के सत्कार के लिए, आपको आत्मीयता से करना है। और आप यहां यह भी कह सकते हैं कि पहले विद्वान की परख कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका स्वयं का व्यवहार खराब है और आप तो बड़ी आत्मीयता से कर रहे हैं और फिर आप परेशान हो जाएं,
इसीलिए मेरे स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति का भी उतना ही कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को उस सांचे में ढाल करके चले जिस सांचे के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। विद्वत्ता का एक सांचा होता है, वह उसमें अपने आप को ढाल लेगा और फिर आप क्या करेंगे, उसे आप आत्मीयता से सम्मान करेंगे। आज से 50 साल पहले आप जाइए तो कोई घर में रिश्तेदार आता था तो बच्चे नमस्ते करने जाते थे तो कैसे नमस्ते करते थे, और आज अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो कैसे नमस्ते करते हैं। एक ही जैसा है कि रवैया बदल गया है, बहुत बदल गया। मोहल्ले वाला 50 साल पहले मोहल्ले से निकलता था बुजुर्ग तो उससे नमस्ते करने का तरीका होता था, और आज तो ऐसे नमस्ते होता है कि अगर देख रहा है तो नमस्ते, नहीं देख रहा है तो हम नहीं करते। बराबर कि नहीं? ये गलत तरीका है। नमस्ते लोग करते हैं और पैर नहीं छूते, वो घुटने छूते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आदर कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल आदर नहीं कर रहा होता, वो आत्मीयता से आदर नहीं कर रहे होते हैं, और कई बार तो नमस्ते करने में हाथ भी नहीं जुड़ते। प्यारे बंधुओं, विद्वानों का सत्कार करने के लिए दो बातें कही गई हैं, आसन आसन सैया भी अदविर मूल फली नवा, आसन से सैया से भोजन आदि सभी प्रकार जो भी उसको खाना उपयोगी है उपयुक्त है वो दीजिए, सैया से विश्राम की व्यवस्था के लिए दक्षिणा आदि से जिससे वो संतुष्ट रहता है उसको। और आपको ये भी बात बता दूं कि जो विद्वान होता है उसके लिए आपके पास से अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, आप जो रोटी खाते हो उसी से वो संतुष्ट हो सकता है। क्योंकि दोनों बातें समझ में आ गई कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हो बिना चिपड़ी रोटी और उसको घी से चिपड़ करके दो तब खुश होगा वो, और याद रखना ऐसा है तो वो बिल्कुल विद्वान की परिभाषा में नहीं आता, वो आपकी सामर्थ्य आपकी श्रद्धा आत्मीयता से अगर कर रहे हैं तो उसी में आनंदित हो जाएगा। ठीक है, उसका भली प्रकार सम्मान करो। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें महाराज मनु ने लिखा है वैडाल वृत्तकान सटान हेतुकान वक्प्रतिश्य, कमाल कर दिया महाराज मनु, कहते हैं जैसे विड़ाल होता है ना छिप करके बाहर करता है, विड़ाल बिलाव जो होता है बिल्ली वो, और केवल अपने हित के लिए काम करता है, और बगुले जैसा भगत है, बगुले जैसा, बगुला तो देखा ही होगा आपने, सबने देखा है कि नहीं? बगुला ऐसे खड़ा हो जाता है एक पैर पर मानो सबसे बड़े भगत जी यही हो, ऐसा लगता है कितना भगत है। एक कथानक आता है रामायण में, राम लक्ष्मण दोनों पंपा सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे तो वो कहते हैं पश्य लक्ष्मण पंपायाम, हे लक्ष्मण जरा देखना ये बगुला बहुत बगुला पका परम धार्मिक है, बहुत बड़ा धार्मिक है भाई, ऐसे पैर धरता है धीरे धीरे जैसे कोई मछली कोई कीड़ा मर नहीं जाए। ऐसे लोग भी दिखते हैं कई बार, लोग कपड़ों से दिखेंगे आपको बड़े भगत जी हैं, आपको ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा भगत तो कोई देखा ही नहीं आज तक, लेकिन मछली आई और मछली ऐसे छलांग लगा करके आई और बस कहते हुए राम को चली गई। बकह प्रशंसते राम, हे राम बगुले की प्रशंसा करते हो, मया निष्कुली कृता, मुझे बिना कुल का कर दिया इसने, मैंने भी समझा था बड़े भगत जी हैं, हम दर्शन करने के लिए आए पूरे परिवार सहित, ये पूरे परिवार को खा गया, जान बजाती घूम रही हूं मैं तो। है जी, ऐसे अगर लोग हैं तो उनको वाणी मात्र से भी बोलो जोर से सत्कार नहीं करना चाहिए। तो कई बार क्या हुआ कि पहले वाला अच्छा व्यक्ति है उसके साथ लोगों ने गलत समझ करके वाणी मात्र का सत्कार नहीं किया, और मुझे तो ऐसा लगता है लोगों को यह समझ में आ गया है कि किसी के साथ भी वाणी मात्र से सत्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं का कनेक्शन कहीं फिट करोगे तो ऐसी ही बातें होंगी। विद्वानों का सत्कार करिए, आत्मीयता से करिए। और एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हम अपने आगे किसी को विद्वान जोर से बोलो अगर नहीं मानते हैं तो ऐसी मान्यता रखने वाले से ज्यादा बेचारा कोई नहीं। अगर ऐसा कोई मानता है कि मेरे से ज्यादा विद्वान कोई नहीं है तो याद रखना उससे ज्यादा बेचारा बोलो कोई नहीं, क्योंकि विद्वान आप ये समझ नहीं रहे हैं, ऋषि दारंग ने यज्ञ की परिभाषा में सबसे पहले विद्वानों का सत्कार देना है,
और अगर विद्वानों का सत्कार नहीं करोगे आपको ज्ञान कैसे आएगा? और नोट करो, ज्ञान किसी के पास अपना नहीं होता है। अगर आप में से किसी के पास अपनी कोई जानकारी हो तो बताना कि साहब मेरे पास ये मेरी अपनी, किसी के पास नहीं है। अरे किसी मनुष्य के पास ज्ञान अपना नहीं होता और ज्ञान पैदा नहीं कर सकता है, ज्ञान को इकट्ठा ही किया जाता है। बोलो हाँ या ना। कहां से इकट्ठा होगा? किताबों से? नहीं नहीं, आप किताबों से इकट्ठा कर लो, लेकिन आप पता जानते हैं सबसे पहले आगम से ही इकट्ठा होगा। किताबों से तो दूसरे नंबर पर आएगा। आगम का लेना, स्वाध्याय का लेना, प्रवचन का लेना और व्यवहार का लेने की, सबसे पहले हमें आचार्य से ही आएगा, माता पिता से ही आएगा। लेकिन क्या करें, हम इस क्रम को भूल गए हैं, बातें बहुत बनाते हैं हम लोग। बंधु आओ, सबसे पहला क्रम विद्वानों का सत्कार। अच्छा एक बात और पूछता हूं आपसे, हमें विद्वानों का सत्कार कब कब करना चाहिए? जब जब मिल जाए तब तब, या कार्यक्रम पर आए तब तब? जी आप ये भी पूछ सकते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने अनुभव किया कि कार्यक्रम पर आए तो नमस्ते, बिना कार्यक्रम के आगे तो हम नहीं समझते। ऐसा हुआ मेरे साथ, हुआ ऐसा। मैं उसमें ज्यादा नहीं जा सकता, आप तो बस इतना समझिए कि विद्वान विद्वान है, जैसे पिता पिता है, मां मां है। क्या ऐसा होगा कि मां का कभी कभार हम सत्कार करेंगे, या पिता का कभी कभार सत्कार करेंगे? फादर्स डे वाले दिन, मदर्स डे वाले दिन? नहीं, ये फालतू की बातें हैं। हमारे यहां तो प्रतिदिन फादर्स डे है, प्रतिदिन मदर्स डे है, प्रतिदिन शिक्षक दिवस है। हमारे यहां अवकाश नहीं है ऐसे व्यवहार में, और एक दिन नहीं किया जाता है, प्रतिदिन करना है। ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। बोलो जरा, क्या होना चाहिए? स्वभाव में, सरलता में होना चाहिए। जैसे बुजुर्गों का सत्कार करना हमारे स्वभाव में होना चाहिए। हमारे घर में या बाहर भी कोई भी व्रत है, उनका सत्कार करना हमारे स्वभाव में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे बुजुर्ग हैं तो नमस्ते, दूसरे कहें तो हम नहीं समझते, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि वृद्ध वृद्ध होते हैं, उनके पास जो अनुभव है, उनका जो स्तर है, वो हमारे कल्याण के लिए है। तो सबसे पहली बात ऋषि आरंभ कहते हैं, अगर आप यज्ञ करना चाहते हो तो पहले विद्वानों का सत्कार करो। अगर आप विद्वानों का सत्कार कर रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। दूसरा है यथा योग्य शिल्प। बोलो जी क्या है यथा योग्य? ये शिल्प क्या होता है? वैसे शिल्प का अर्थ कला होता है, शिल्प का अर्थ निर्माण होता है, लेकिन ऋषि आनंद यहां एक लाइन और लिख देते हैं इसी में, पदार्थ विद्या। बोलो जरा क्या है? पदार्थों को ठीक ठीक जानना और उनसे ठीक ठीक उपकार लेना। आप जो जो भी पदार्थ आपके संपर्क में आते हैं उनको ठीक ठीक से जान लें और उसे अपने व्यवहार में अपनाएं। अगली बात बहुत कमाल की, धैर्य से सुनो। तीसरी बात कही विद्या आदि शुभ गुणों का दान। जोर से बोलो विद्या आदि शुभ गुणों का दान। अब ध्यान से सुनना, विद्या दान देना यज्ञ है। बोलो जोर से विद्या, और विद्या देना, विद्या लेना भी यज्ञ है। और जरा बहुत अच्छे से सुनना, विद्या के आदान प्रदान में सहयोग करना भी, बोलो यज्ञ है। विद्या अगर दे रहे हैं आप, मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत सलीके से कर रहे हैं और सही से कर रहे हैं, तो आप यज्ञ कर रहे हैं, और आप ठीक से विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो बोलो जरा यज्ञ कर रहे हैं, और अगर आप सहयोगी बन रहे हैं तो भी यज्ञ कर रहे हैं। मैं यहां पर एक बात बताना बहुत आवश्यक समझता हूं, ताकि अंदाजा लग जाए आपको कि यह कार्य भी यज्ञ है। महर्षि देवज्ञानंद जी महाराज जब गुरुवर विजयानंद जी महाराज के पास पढ़ रहे थे, पढ़ना शुरू कर रहे थे, तो गुरु जी ने कहा दयानंद मेरे पास आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं है, ये दो व्यवस्थाएं कर लेना, मेरे पास पढ़ने के लिए आते रहना, मैं पढ़ाने का कुछ लेता नहीं, निःशुल्क पढ़ाता। वैसे तो हम ऋषि दयानंद के जीवन से इतना परिचय तो प्राप्त कर ही लिए हैं कि भोजन मिले ना मिले हम पढ़ने के लिए आते रहेंगे। क्यों जी? हाँ या ना? क्योंकि उनका तो जीवन यही है कि विद्या सर्वोपरि है हमारे लिए। वैसे आज के लोगों के लिए विद्या सर्वोपरि नहीं है, आज भोजन ज्यादा सर्वोपरि है। कल्पना करो दो पांडाल एक ही समय में लगा दिए गए, एक भोजन का एक प्रवचन का, एक ही समय में होना है, अब बताओ भीड़ कहां जाएगी? है ना कमाल, मेरा देश अभी भोजन से ऊपर नहीं उठा है, लोगों को विद्या का महत्व तो नहीं पता है अभी। महर्षि दयानंद जी महाराज जब अपनी जीवनी बता रहे थे तो उन्होंने सम्मान के साथ कहा
कि मैं उस व्यक्ति का अगर नाम ना लूं तो कृतज्ञता का दोष लगेगा, अरे मेरे भोजन की व्यवस्था उस व्यक्ति ने की। वो व्यक्ति आया और क्या कहता है सुनो, वो कहता है महात्मा जी मुझे पता चला है आपके भोजन की व्यवस्था होनी है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी अगर आप मेरे घर रोज भोजन करने के लिए आते। तो स्वामी जी कहते हैं सुनो जरा आनंद तो अभी आएगा। स्वामी जी कहते हैं उस व्यक्ति ने मुझे भोजन कराया पूरे शिक्षण काल में और बिना किसी समय परिवर्तन के, बिना किसी अवकाश के, और जब उसे खुद अपने भोजन पर जाना होता था तो पहले मुझे भोजन कराने के बाद अपने भोजन के लिए कहीं दावत पर जाना होता था। कमाल है उस व्यक्ति का, जरा देखो तो सही। अब आप मुझे ये बताओ उस व्यक्ति का योगदान हमारे इस कार्यक्रम में है कि नहीं? आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। अच्छा बताओ स्वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन हमारा स्वभाव ये बन गया है। अच्छा वो क्या कह रहा है सुनो, वो ये कह रहा है मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, मेरे घर भोजन करने के लिए आते रहे तो। अच्छा आज का व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरे ऊपर कृपा होगी कि थारे ऊपर कृपा करूंगा मैं? कमाल है ना, वो तो भाव बदल गया कि नहीं? आज का व्यक्ति यह सोच रहा है कि मैं उसके ऊपर कृपा कर रहा हूं, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से अरे जो भोजन कराता है उसका कर्माशय बढ़ता है, जो करता उसका कर्माशय कम होता है, इसीलिए कल्याण तो उसका होगा जो करा रहा है। लेकिन आज का व्यक्ति जानता नहीं। इसीलिए बंधु हमें आवश्यक है कि हम इन व्यवस्थाओं को ठीक से समझें। लेकिन यहीं पर पूरा नहीं होता अभी, क्योंकि ऋषि दयानंद ने यहां विद्या के बाद आदि लगा दिया है। बोलो क्या लगाया है? आदि। जानते हैं आप किस लिए लगाया जाता है? आदि लगाया जाता है जैसा आगे शब्द है, जैसा आगे पदार्थ है, जैसा आगे गुण है, वैसे ही आगे जितने गुण वैसे होते हैं, वैसे ही जितने पदार्थ आगे होते हैं, सब उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। क्यों जी? हाँ यार। तो क्या कहा? विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अर्थात जैसे विद्या सबका कल्याण करती है, विद्या सुख देती है। अगर विद्या देना यज्ञ है, विद्या देना दे रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं, तो वैसे ही आप कोई भी सुख का पदार्थ दे रहे हैं तो यज्ञ कर रहे हैं। इसका अर्थ है भूखे को भोजन कराना यज्ञ है। जोर से बोलो जरा एक बार, भूखे को भोजन कराना यज्ञ है, भंडारा करना यज्ञ नहीं है। अंतर है कि नहीं? बात है, जोर से बोलो। भूखे को भोजन कराना यज्ञ है, प्यासे को पानी पिलाना यज्ञ है, रोगी को औषधि उपचार कराना यज्ञ है, निर्वस्त्र को वस्त्र देना यज्ञ है। अर्थात अगर किसी की आवश्यकता है और वो कमा नहीं पा रहा है, अगर आप उसे सुखी कर देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बोलो जोर से, आप यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन यहां दो बातें सुनो, दोनों में अंतर कर लो बिल्कुल। एक व्यक्ति ऐसा नगर में घूम रहा था, पता नहीं कब से उसने कपड़े नहीं बदले, कब से नहाया नहीं, एक जोड़ी कपड़े हैं उसके पास बस, और वो उतारता भी नहीं है, फट जाता है। जैसे कपड़ा यहां फट गया तो कहीं से कुछ कत्तल मिली कपड़े की, वो ली और उसे ऊपर ही बांध दिया। बाल उलझे हुए हैं, पता नहीं कब से नहाया नहीं है, पूरा शरीर बंधा हुआ है नई नई चीर कत्तल से। चार लोगों ने उसे पकड़ लिया और वो भाग रहा है, हाथ नहीं आ रहा। लोग उसे आश्वासन दे रहे, भाई तू घबरा मत, तेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। पकड़ लाए उसे, पकड़ लाए, उसके कपड़ों को उतारने की कोशिश की, उतरे नहीं तो कैंची से काट डाले, उसके बाल साफ करा दिए, उसे अच्छे से नहलाया, जहां जहां घाव हो रहे थे उसका मरहम लगाया, पट्टी करा दी और फिर नए कपड़े उसको पहना। अब वो रोने लगा, कहता भाई तुम लोग कहां थे? अरे तुम लोग कहां थे, मैं तो बहुत लंबे समय से नरक की जिंदगी जी रहा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा ऐसे लोग नगरों में मिल जाएंगे, और लोगों के पास न धन की कमी है, ना ही अंदर हृदय भावना की कमी है, केवल व्यवस्था की कमी है। हम समझ नहीं पाए कि ऐसे लोगों को ठीक से सुख देने पर भी हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ये लोग नहीं समझ। हम तो ये समझ पाए कि हवन कर लो उससे कल्याण हो जाएगा, नहीं बंधु आओ जरा उतरते हैं, अब व्यावहारिक यज्ञ को सीख से समझते हैं। सुनो अब दूसरा नजारा देखो, हम कई बार निवेदन करते हैं लोगों को कि भाई जब आपको फुर्सत हो तब आप कुछ कंबल बांटो, जब आपको फुर्सत हो, धन हो आपके पास तो कुछ कपड़े बांटो। तो हमारे यजमान ने कहा, वैसे आप जानते हैं एक मकर संक्रांति आती है तब लोग कंबल बांटते हैं, उस दिन का नजारा देख करके हमें अंदर से बड़ा अद्भुत लगा। क्या नजारा था जरा देखो,
आगरा नगर की घटना है। हमारे एक यजमान ने यह घटना बताई। उन्होंने कहा, आचार्य जी, हम हर वर्ष जो है कंबल बांटते हैं, गाड़ी में कंबल भर लिए और जा रहे थे, तो हम गाड़ी की लाइट जल रही थी तो आगे देख रहे थे कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है और बिना कपड़े के लेटा हुआ है, ठंडी का मौसम है, ठिठुर रहा है। तब हमसे पहले किसी व्यक्ति ने उन्हें कंबल दे दिया उसको। हम देख रहे थे, भाई इसको दे दिया, हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, चलो किसी और को ढूंढेंगे। लेकिन थोड़ी देर में क्या है, वो वहीं रुके रुके देखते रहे, गाड़ी की लाइट जल रही है और उस लाइट में क्या हुआ उसे तो पता नहीं था, कोई मुझे देख रहा है। वो जो जिसे कंबल दिया गया था वो दौड़ के गया, कंबल को छिपाया और फिर बिना कपड़े के लेट गया। उन्होंने मुझे बताया कि अब मेरे ऊपर प्रश्न कर दिया, आचार्य जी अब बताओ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरे से कहता बताओ क्या करें, दे कि ना दे। हमने कहा ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अरे कम से कम उन लोगों को ढूंढो जिनके पास अपने स्वाभिमान की वजह से वो किसी से लेते नहीं है, और ऐसे लोग मिलेंगे, आवश्यकता वाले व्यक्ति को दोगे तो निश्चित रूप से आपका यज्ञ होगा। शैतान लोगों को देने की कोई जरूरत, बोलो, ऐसे व्यक्ति को दो जिसको वाकई में जरूरत है। आपने देखा कोरोना काल में ऐसा माहौल था, लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी, राशन बांट रहे थे लोग, रोटी बना बना कर, पूड़ी बना बना करके दे रहे थे लोग, सरकार ने भी काम किया इस पर। तो पता है ऐसा ऐसा देखा कि घर में पनीर बन रहा है और रोटी बाहर से आ रही, वो भी ली जा रही और इकट्ठी करके ढेर कर रही। कमाल है मेरे देश का, बड़े बड़े नमूने हैं मेरे देश में, जिनको कुछ नहीं आए पता कि जीवन कैसे चलता है, जीवन कैसे दिया जाता है। अरे कम से कम हम लोग आर्य समाज के लोग तो इस जीवन को ठीक से समझ ही सकते हैं। आर्य समाज के अंतर्गत ऐसे भी कई जगह हैं, ऐसी कई जगह हैं। मैंने करनाल में एक जगह देखी, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बना रखा है, पूरे नगर भर में राशन देते हैं और उन लोगों को देते हैं जिनके घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, जिनके घर में कमाने वाला। मैं जब उनके कार्यक्रम पर गया, 7 दिन की कथा हो रही थी मेरी, तो वो कहते आचार्य जी आज आप हमारे साथ चलो। हमने कहा भाई कहां ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम राशन बांटते हैं। मैंने कहा तो आप बांट देना भाई, मेरा क्या योगदान है उसमें। नहीं आप चलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हमने कहा चलो। तो वहां उन्होंने बताया कि पहले हम आवेदन मांगते हैं, पहले हम नगर भर से आवेदन मांगते हैं और एक दो व्यक्ति की स्वीकृति मांगते हैं कि तू बताइए ये प्रमाणित कौन करेगा। और जब संस्था के पास वो आ जाता है तो संस्था फिर से गोपनीय रूप से जांच करती है क्या वाकई में इस व्यक्ति को राशन की जरूरत है, इस घर को जहां कमाने वाला कोई नहीं है। और वो फिर उसको राशन महीने महीने राशन देते हैं कि आप यहां आते रहो, और कब तक आते रहो, जब तक आप स्वयं कमाने की स्थिति में नहीं हो। हम हमेशा नहीं देते, उनकी बेटियों को उनके बेटों को पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं वो लोग। वो लोग चाहते हैं कि बेटियां सिलाई सीख जाएं, तो वहां एक केंद्र चला के रखा है सिलाई सेंटर कि भाई यहां आओ बच्चों को भेजो। अच्छा बोलो यज्ञ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अगर आप ऐसी व्यवस्था करते हैं तो आप निश्चित रूप से यज्ञ कर रहे हैं। और सुनो, एक कुत्ता था, वो बहुत बीमार हो गया। स्वामी एक महाशय जी है, उनका नाम है कल्याण बेदी, आप लोगों ने सुना हो, संगीत के बड़े लाकार है, रुड़की में रहते हैं। तो वो कार्यक्रम पर जा रहे थे तो देखा कुत्ता बहुत बीमार है। उन्होंने सोचा कि भाई लौटेंगे तो पता नहीं मर नहीं जाए, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, उसे पकड़ करके जैसे तैसे पास के अस्पताल में पहुंचाया। वो पशुओं का चिकित्सालय, डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब इसका इलाज करना, पैसे हम दे देंगे। और डॉक्टर उन्हें जानता था, महाशय जी आप कार्यक्रम पर जाओ, हम देख लेंगे क्या बात है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। महाशय जी 2-3 दिन बाद लौट करके आए। जब 2-3 दिन बाद लौट करके आए तो उन्होंने घर जाने से पहले सोचा कि भाई चलो उसकी राजी खुशी ले चलते हैं, क्या हुआ उसका। तो जैसे ही अस्पताल के गेट में प्रवेश किया तो उन्होंने डॉक्टर से पूछने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो डॉक्टर से तो बाद में पूछते पहले वो कुत्ता दौड़ कर आया और दोनों पैरों से बेदी जी के ऊपर चढ़ गया और पूछ ला के कहता भाई धन्यवाद, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा। कहां है व्यवस्थाएं, मेरे देश में मानव भी मर रहा है, प्राणियों की क्या करें भाई। और कोरोना काल में तो मानव भी मर रहा था और मानवता भी मर रही थी, लोग दान भी दे रहे थे और शैतान लोग उस दान का दुरुपयोग भी कर रहे थे, और कुछ लोग तो किडनी ही बेच रहे थे। ऐसे ऐसे लोग मार डाले जो बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोरोना का दिखा करके आदमी मार दिया और उसकी किडनी बेच दी। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा,
ये अखबार की बातें हैं और शोध की बातें हैं, ये बिल्कुल साफ साफ भाषा है। इसीलिए आओ हम यज्ञ करें, और यज्ञ का सीधा साधा अर्थ है कल्याण के लिए किया गया पुरुषार्थ। जोर से बोलो, कल्याण के लिए किया गया। मेहनत करना भी यज्ञ है, पढ़ना भी यज्ञ है, तभी स्वर्ग बनेगा। केवल हवन करने से नहीं बनेगा। अब सुनो लास्ट वाली लाइन क्या कहती है। ऋषि दयानंद अंतिम पंक्ति में लिखते अग्निहोत्र आदि। बोलो क्या लिखते हैं? अग्निहोत्र। कमाल तो यह अग्निहोत्र के बाद भी आदि लगा दिया। अग्निहोत्री अगर पूरा होता तो आदि क्यों लगाते? अग्निहोत्र जैसे ही अन्य सब काम क्या होता है उनसे, जिनसे अन्न जल औषधि वनस्पति वायु आदि शुद्ध होकर प्राणी मात्र को सुख मिलता है, अर्थात अग्निहोत्र करना यज्ञ है। जोर से बोलो, अग्निहोत्र करना यज्ञ है, सफाई करना यज्ञ है, पेड़ लगाना यज्ञ है, वायु शुद्ध रखने के उद्यम करना अर्थात पर्यावरण का संरक्षण करना यज्ञ है। इतने काम अगर आप करेंगे तो आपका वातावरण स्वर्ग बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? केवल हवन करने से बन जाएगा? और कमाल तो ये देखा हमने कि जो हवन करने को संपूर्ण यज्ञ मानता वो संध्या भी ना करता, कई बार वो माता पिता की सेवा भी नहीं करता, वो ये समझे बेटा कि हवन ही सब कुछ है। नहीं बंधु, हवन यज्ञ का एक प्रकार है। जोर से बोलो, हवन यज्ञ का एक प्रकार है। अगर आप ये समझ गए हैं तो जरा बताओ यज्ञ के प्रकार कितने होते हैं? यज्ञ के प्रकार कितने होते हैं? जोर से बोलो, नाना प्रकार। बहुत बढ़िया, जिन्होंने नाना प्रकार बताया वो बढ़िया बताया है, नहीं तो ज्यादातर पांच पे अटके रहते हैं। ये पांच यज्ञ होते हैं ऐसा नहीं है बंधुओं, दैनिक यज्ञ पांच होते हैं। जोर से बोलो, दैनिक यज्ञ पांच होते हैं, महायज्ञ पांच होते हैं, लेकिन यज्ञ पांच ये दैनिक यज्ञ अनिवार्य यज्ञ हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। और सारे के यज्ञ भी हैं, वो भी अनिवार्य हैं अवस्था के अनुसार और समय के अनुसार। ये रोज के लिए अनिवार्य हैं, कुछ पाक्षिक यज्ञ हैं, मासिक यज्ञ हैं, और कुछ त्योहारों के यज्ञ, वो भी अनिवार्य हैं, उनमें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और संस्कारों के यज्ञ अवस्था के अनुसार, कौन सी अवस्था में कौन यज्ञ और कौन प्रशिक्षण देना है। समय बातचीत का पूरा हो गया है जितना आपने निर्धारित किया आज के व्याख्यान के लिए, और आप सबने मुझे धैर्य से सुना। इसके आगे की चर्चा आप अगली सभा में सुनेंगे, जैसा जैसा वातावरण, जैसी जैसी आपकी व्यवस्था होगी हम आपसे बात करते रहेंगे। आपने बड़े धैर्य से सुना, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपने यज्ञ को समझा होगा। जो व्यक्ति अनुशासन में है वो यज्ञ कर रहा है, जो पुरुषार्थी है बोलो वो यज्ञ कर रहा है, जिसका वाणी का व्यवहार ठीक है बोलो वो यज्ञ कर रहा है, जो त्याग तपस्या से काम करता है बोलो वो यज्ञ कर रहा है, जो लोगों को सहयोग करता है बोलो वो यज्ञ कर रहा है, और अपने जीवन को नियमित जो चलाता है वह व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति जहां खड़ा हो जाता है वहां सुखमय वातावरण बना लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग सीधे बैठ जाएंगे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सर्वा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। जो बोले सो अब है। धर्म की जय। पूरे उत्साह के साथ जय घोष करेंगे। गुरुवर गिरिजानंद की जय। जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। महर्षि पतंजलि की जय। महामुनि पाणिनि की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। पूरा सुना करो। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का आमीन। आर्य समाज आभार कहे।
वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, जो बोले सो अब है, सीधे बैठेंगे, श्वास भरेंगे, मिल करके ओम की ध्वनि गाएंगे, श्वास भरें और मिल करके गाएंगे, ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर जाएं।